क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट मैच की ट्रॉफी को वर्ल्ड कप क्यों कहा जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि पुराने 10 के नोट पर स्टार क्यों बना होता है? क्या आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में रम और ब्रांडी क्यों पीते हैं? और क्या आपको पता है कि यमुना नदी के बिना ताजमहल कभी नहीं बन सकता था? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जो आज भी बेहद मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ताजमहल को यमुना नदी के किनारे के बजाय किसी और जगह पर बनाया जाता तो शायद ताजमहल इतने लंबे वक्त तक टिका नहीं रहता। दरअसल ताजमहल की नींव बनाने के लिए महोगनी और आबनूस जैसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जो नमी और पानी के संपर्क में रहने पर ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी से नींव की लकड़ियों को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है, जिसकी वजह से भूकंप या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आसानी से ताजमहल को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। यही वजह है कि ताजमहल के लिए यमुना नदी को बेहद खास माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर महिलाओं के शरीर में एक गर्भाशय होता है जिसमें एक समय पर एक या फिर दो बच्चे पलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रेयर कंडीशन में महिला के शरीर में दो गर्भाशय होते हैं, जबकि दोनों गर्भाशयों में एक ही समय पर बच्चा पल सकता है। इस स्थिति को यूट्रस डाइडेल्फिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी महिला के शरीर में जन्म से ही दो गर्भाशय होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक रेयर कंडीशन है और दुनिया भर में हजारों महिलाओं में से किसी एक महिला के पास दो गर्भाशय होते हैं। इस तरह का पहला मामला साल 2020 में सामने आया था, जब ब्रिटेन में रहने वाली एक महिला के शरीर में दो गर्भाशय होने की बात पता चली थी और उन दोनों गर्भाशयों में बच्चा पल रहा था। हालांकि डॉक्टर अब तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि महिलाओं में दो गर्भाशय होने की असल वजह क्या होती है, जिसकी वजह से इस रेयर कंडीशन का कोई इलाज या समाधान भी नहीं खोजा गया है। हालांकि दो गर्भाशय होने से महिलाओं को किसी तरह की शारीरिक तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दी के मौसम में थोड़ी सी रम या ब्रांडी पीने से जुखाम या खांसी की समस्या नहीं होती है। लेकिन क्या इस दावे में कोई सच्चाई होती है? ये माना जाता है कि रम और ब्रांडी की तासीर बेहद गर्म होती है, क्योंकि उसे गन्ने के बाई प्रोडक्ट का यूज करके बनाया जाता है। रम या ब्रांडी को दवाई के रूप में पिया जाता है, जो सर्दी के मौसम में शरीर को गर्माहट देने का काम करती है। इस वजह से व्यक्ति को सर्दी, जुखाम या खांसी की समस्या नहीं होती है, जबकि कई लोगों का मानना है कि रोजाना रम या ब्रांडी पीने से जोड़ों में दर्द और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। शायद यही वजह है कि आर्मी के जवानों को भी रम या ब्रांडी पीने के लिए दी जाती है, क्योंकि कई जवान बर्फीले इलाकों में ड्यूटी देते हैं और इस दौरान उनके शरीर को गर्माहट की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपने कभी पुराने 10, 20, 50 या 100 के नोट को ध्यान से देखा होगा तो ये पाया होगा कि नोट में सीरियल नंबर के साथ एक स्टार बना होता है। कई लोग इस स्टार वाले नोट को नकली मानते हैं और उसे लेने से मना कर देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह के स्टार वाले नोट असली होते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से साल 2006 में सबसे पहली बार स्टार वाले नोट छापे गए थे, जिसकी वजह से उस समय 10, 20 और 50 रुपए के नोट पर सीरियल नंबर के साथ स्टार देखने को मिलता है। इस स्टार को महात्मा गांधी सीरीज के तहत छापा गया था, जिसमें बाद में 500 रुपए का नोट भी शामिल कर दिया गया था। लेकिन ये स्टार सिर्फ महात्मा गांधी सीरीज के तहत छापे गए नोट के सीरियल नंबर पर देखने को मिलते हैं, जबकि दूसरे सामान्य नोटों पर इस स्टार को नहीं छापा जाता है। यही वजह है कि कुछ नोटों पर स्टार होने की वजह से आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे नकली समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि इस तरह के सारे नोट चलन में होते हैं और उन्हें RBI की देखरेख में छापा जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्रिकेट में जब कोई टीम जीत हासिल करती है तो उसे सम्मानित करने के लिए ट्रॉफी या मेडल दिया जाता है। वहीं वर्ल्ड कप एक ऐसी ट्रॉफी है जिसके नाम को लेकर अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल इस कप की शुरुआत 1800 के दशक में रोम साम्राज्य में हुई थी, जहां जीत की खुशी में विजेता टीम या व्यक्ति को ट्रॉफी दी जाती थी। उस समय इन ट्रॉफियों का आकार काफी हद तक एक कप की तरह होता था, जिसके नीचे स्टैंड और साइड में हैंडल होता था। ये ट्रॉफी क्रिकेट में विजेता टीम को दी जाने लगी थी, जिसकी वजह से क्रिकेट जगत में कप शब्द फेमस हो गया था और शुरुआती दौर में वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफी कप की तरह दिखाई देती थी। लेकिन कुछ सालों बाद ट्रॉफी का आकार बदल दिया गया, हालांकि उसका नाम आज भी वर्ल्ड कप ही है, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध शब्द हो चुका है और दुनिया के विभिन्न देश इस कप को अपने नाम करने के लिए जी जान लगा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।